जाओ जाओ आगे। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैम। वालेकुम अस्सलाम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आप सब कैसे हो? जवाब ही दे रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। ओके वेरी गुड सैड। ओके बाकी सब बच्चे क्यों नहीं जवाब? आई एम फाइन। ओके रुतबा। ओके स्टूडेंट्स पहले मुझे बताइए, बच्चे तो आठ है क्लास में, कैमरा क्यों सबका बंद है? रहबर अली, मुसैब, आयदा जान, कैमरा ऑन करो जल्दी से। अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। ओके वेरी गुड। चलिए स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए, मैंने आपको कल एक होमवर्क दिया था, वो सबने किया है? बुक वर्क नहीं, मैंने क्लास में कल नहीं आई थी। हाँ। मैं भी कल क्लास में नहीं आई थी। मैं बोल रही हूँ जो बच्चे आए थे, जैसे आप में से कोई भी बच्चा कल नहीं आया था क्लास, कल किसी ने नहीं दी थी? मैंने आपको बोला था आपको जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं नंबर वन में, उनके आंसर्स आपको रफ पे लिखने थे, वो लिखे हैं किसी ने कि नहीं? मैं कल नहीं आई थी क्लास में। सुनाना जैनब आपका भी और आयदा का भी, मैं आपसे नहीं बात कर रही हूँ, बच्चे जो आए थे मैं उनको पूछ रही हूँ। सालिक पुट योर माइक, करो बंद मुंह। जी बताइए मुझे, रहबर अली आप तो कल आए थे, जैद रियाज आप भी, महरीन मुसैब भी आया था, मैंने क्या बोला था कल? सिक्स और सेवन को छोड़ के बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको रफ कॉपी पे लिखने थे, लिखे हैं किसी ने कि नहीं? जवाब दीजिए, जब तक आप जवाब नहीं देंगे मैं नहीं आगे बताऊंगी, बताइए जल्दी से। जैद आपने लिखा है, से यस और नो, हाँ या ना मैं जवाब दो, जरूरी नहीं है आप हाँ ही दो, अगर लिखा है तो बताओ यस, अगर नहीं लिखा है तो नो, जल्दी से बताओ। रहबर अली अनम्यूट योर माइक, रहबर माइक करो। लिखा है ये होता है नो मैम। क्या मैंने क्या बोला था? अगर आपको लेसन नहीं समझ, मुझे बताओ आपको लेसन समझ नहीं आया है जो मैंने पढ़ाया पपी इन द वेल? नहीं आया था ये बताओ ना। आई पुट योर माइक ऑफ, आप क्यों अपनी माइक ऑन कर रही हो बार बार? मैं आपसे थोड़ी बात कर रही हूँ, आप तो कल एब्सेंट थी ना बच्चे। रहबर अली माइक ऑन रखो और मुझे जवाब दो, जो मैंने लेसन पढ़ाया है लेसन नंबर मुझे बताइए जैद, मैंने जो आपको लेसन पढ़ाया पपी इन द वेल आपको समझ नहीं आया वो? अकील अल्हम्दुलिल्लाह जी बताइए जैद। मैम समझ आया। फिर क्वेश्चन आंसर्स क्यों नहीं लिखे रफ पे, बताओ जल्दी से? मैंने बोला था ना आप कोशिश करोगे, जैसे आपने जवाब दिया उर्दू में कश्मीरी में भी बोला कि वो क्या कर रहे थे, जो भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे आपने तो आंसर्स बताए ना, फिर आपको ट्राई करना था इंग्लिश में लिखने की, आपने क्यों नहीं लिखा? ट्यूशन मैम से नहीं लिखवाना है आपको, खुद से लिखना है, फिर फायदा क्या है? वालेकुम अहमद तारिक, अहमद तारिक कल का होमवर्क किया है? यस मैम मैंने किया है।
जरा दिखाइए मुझे, शो मी, चेक करूंगी, उसके बाद हम देखेंगे बुक वर्क। खाली फिर अहमद तारे को समझ आता है, महरीन आपने किया है? महरीन आपकी आवाज कट कट से आ रही है। आपने क्वेश्चन आंसर्स लिखे कल रफ कॉपी पे? मैंने खाली ये आंसर लिखे है। सही, कोई बात, मैं महरीन को उन्होंने लिखा है। दे आर प्लेइंग द क्रिकेट, द बॉल फेल इनटू एन ओल्ड वेल, देयर वाज व्हाट वेट मड और क्या है एंड सम प्लांट्स एंड इन द मिडल, जरा यहां से करो, ले अ पपी, वेरी गुड सतीश, हैव एन आइडिया टू ब्रिंग द पपी अप इन द बकेट, सतीश हैव द आइडिया टू, ये यहाँ पे आएगा सतीश हैव एन आइडिया, हुज आइडिया आपको लिखना था बच्चे, इट वॉज सतीश आइडिया टू ब्रिंग द पपी अप इन द, कोई बात नहीं, अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स बाद में फिर से दिखाऊंगी ना यहाँ से भी, लेकिन एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया है। रजनी सेड आई हैव सम बिस्किट्स एंड पुट देम इन द बकेट, वेरी गुड, वालेकुम अस्सलाम, नो पपी वॉज नॉट वेल बिकॉज शी वॉज कोल्ड एंड शेकिंग, वेरी गुड, एक्सलेंट बच्चे, थैंक यू मैम। सारे बच्चे पहले अहमद तारे के लिए जोर से क्लैप्स करेंगे, देखिए इसने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उसने ट्राई किया है एटलीस्ट लिखने का, आप लोगों को भी कोशिश करनी थी लेकिन आप लोगों में से किसी ने भी नहीं की है, और आपको इस बारी जो ये आपको आदत हो गई है ना, मैम दिखाएगी टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर्स फिर वही होंगे एग्जाम में, इस बारी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, इस बारी खुद से क्वेश्चन निकाले जाएंगे और वही लिखने, इसलिए आपको लिस्ट अच्छे से समझना है और कोशिश करनी है क्वेश्चन आंसर लिखने की। मैम जी, मैं मुझे कल नेटवर्क इशू थी, मुझे बताइए कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, मुझे नेटवर्क इशू थी, नेटवर्क इशू था बच्चे आपको, आज आप रफ कॉपी पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 8, इन सिक्स और सेवन को क्रॉस दीजिए, बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स आप रफ कॉपी पे बिल्कुल अहमद तारिक ने जैसे लिखा था ना वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, आप खुद से कोशिश करेंगे, आपको जितना भी आएगा आप उतना ही लिखिएगा, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम, वेलकम। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप आइए पेज नंबर खोलिए आप 1818, हमारी जो बुक वर्क कल रह गई थी ना थोड़ी बहुत, वो आज हम करेंगे, कॉपी क्या हो गया फिजा, आप जो इतने अच्छा पढ़ते, रुकिए स्टूडेंट्स, निकाला सबने पेज नंबर 18, एक मिनट मैं दिखाती हूँ। यस मैम, हमने क्या पढ़ा था कल, ज्वाइन एंड मेक न्यू वर्ड्स, यानी हमें दो वर्ड्स को ऐसे मिलाना था कि उनसे एक नया वर्ड बन जाए, जैसे हमने फर्स्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा मेकिंग न्यू वर्ड्स, बटर और फ्लाई को मिला के बटरफ्लाई बन जाता है, ठीक है, इसी तरीके से हमें यहाँ दो साइड से डिफरेंट वर्ड्स दिए गए थे, हमें इन दो को, हमें ऐसे दो वर्ड्स को मिलाना था जिनको मिला के एक नया वर्ड बन जाता, जैसे पहला जो था फायर, तो यहाँ से हमने इसको मिलाया फाइटर के साथ, क्योंकि क्या बन गया फिर, फायर फाइटर, ठीक है, इसी तरीके से इसको हमने मिलाया साइड के साथ, क्या बन गया, सी साइड, ठीक है, इसी तरीके से वाटर को हमने मिलाया मेलन के साथ, क्या गया, वाटरमेलन, और इसी तरीके से लास्ट वाला वर्ड जो हमारा था वो था स्ट्रॉ, एंड यहाँ से था बेरीज, तो हमने इनको मिलाया, क्या बन गया, स्ट्रॉबेरीज, दिखा के है, देखिए वाटर और मेलन को मिलाया तो क्या बन गया, वाटरमेलन, सी और साइड को मिलाया तो क्या बन गया, सी साइड, फायर और फाइटर को मिलाया तो क्या बन गया, फायर फाइटर, और स्ट्रॉ और बेरीज को मिला दिया तो क्या बन गया, स्ट्रॉबेरीज, ठीक है, ओके मैम, ओके फिर ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे आप ध्यान दीजिए, सिट डाउन, वेट, मैच द वर्ड्स दैट गो टुगेदर, हमें उन वर्ड्स को मिलाना है
यहाँ से जो कॉलम एक में एक आधे वर्ड्स दिए गए हैं और कॉलम बी में दूसरे वर्ड्स, हमें उन वर्ड्स को मिलाना है जिनको जो एक साथ मतलब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, आपको हमें क्या करना है, मैच द वर्ड्स दैट गो टुगेदर, यानी जो हम एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है हमें अर्जेंट, अर्जेंट को हम अगर वेजिटेबल्स के साथ मिलाएंगे तो कोई वर्ड बनेगा, नो अर्जेंट वेजिटेबल्स, व्हाट डज दैट मीन, नथिंग। अर्जेंट बेड्स, नो अर्जेंट पोटैटोज, नो अर्जेंट मैसेज, यानी जरूरी मैसेज, ठीक है। तो अर्जेंट को आप किसके साथ मिलाएंगे, अगर आपने फिर से लिखा फिजा मैं आपको बाहर निकालूंगी, वेट करो ना, समझो क्यों आपको सिर्फ बुक वर्क उतारना है, समझना है इस बार ही आपको, आप समझो फिर बाद में भी कर सकते हो काम, अब तो इधर ही हो ना। देखिए बच्चा, हमें इस साइड से जो वर्ड्स दिए गए हैं, यहां से भी वर्ड्स दिए गए हैं, हमें इन दोनों में से ऐसे वर्ड्स को पेयर अप करना है जो एक साथ हम यूज कर सकते हैं। जैसे अर्जेंट मैसेज, इसी तरीके से ग्रीन कौन होते हैं, जूसी कौन होते हैं, मैंगो, मैंगो, वेरी गुड। क्लीन, क्लीन के साथ क्या आएगा, फ्राइड, फ्राइड पोटैटो, वेरी गुड, यानी तले हुए पोटैटोस, ठीक है। तो देखिए आप एक बारी फिर से, अर्जेंट मैसेज ग्रीन वेजिटेबल्स, जूसी मैंगोज, क्लीन बेड्स फ्राइड पोटैटोस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वाला पोर्शन, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। पीछे बैठो मैम, मैंने अभी नहीं किया मैम, जी मैम मुझे दिखाइए, मैंने अभी नहीं किया। आप कहाँ थे, अच्छा आप लेट आ गए, कोई बात नहीं। मुसैब, आयत, जैद, रियाज, आप तीनों अपनी माइक्स बंद रखिए। किया आपने, आयत हो गया आपका, अर्जेंट मैसेज ग्रीन वेजिटेबल्स, जूसी मैंगोज, क्लीन बेड्स एंड फ्राइड पोटैटोज, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमें पंक्चुएशन मार्क्स दिए गए हैं, एक है फुल स्टॉप, दूसरा है क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता है ना फुल स्टॉप हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और क्वेश्चन मार्क कहाँ पे, क्या आप में से मुझे कोई बता सकते हैं। क्वेश्चन मार्क तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई सवाल पूछते हैं, और फुल स्टॉप हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जब कोई स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पे है पहला जो सेंटेंस है, लिसन इट केयरफुली वरना मैं आपको कल से एलो नहीं करूंगी क्लास में। डिड यू सी अ वाइट टाइगर एट द जू, क्या आपने सफेद टाइगर देखा जू में, चिड़ियाघर में। तो ये क्या है, क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है मैम, क्वेश्चन, मैम क्वेश्चन। तो इसके आखिर पे आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, कॉपीकैट्स। फिर इसके बाद वी गेव नट्स टू द मंकी, हमने मंकी को नट्स दे दिए, बंदर को हमने क्या किया, नट्स दे दिए, ये क्या है, क्वेश्चन है मैम, आंसर मैम, आंसर आंसर नहीं बता, ठीक है इसको फुल स्टॉप। उसके बाद दे शेल्ड पीनट्स एंड देन एट देम, उन्होंने क्या किया, पीनट्स के शेल्स को उन्होंने ये ना पीनट्स किन को हम बोलते हैं, कर्शर पेट से तो मन वाना ना जलगोस ना वाना, तो तिमोतुल जलगोस उसका एक थे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा कि क्वेश्चन मार्क, वेरी गुड। नाउ डू यू नो मंकीज इन द जू आर गिवन विटामिंस, क्या आपको पता है कि जो मंकीज होते हैं चिड़ियाघर में उनको विटामिंस दिए जाते हैं,
तो ये क्वेश्चन है या स्टेटमेंट? मैम क्वेश्चन, मैम क्वेश्चन, मैम क्वेश्चन। तो इधर हम क्या करेंगे, आखिर क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। याद है बच्चे यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, कुछ सेंटेंसेस यानी जुमले, क्या दिए गए हैं, कुछ जुमले, हमें क्या करना है, हमें इनको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है, किस में यानी हमें कौन सा सेंटेंस हम लिख सकते हैं, फिर कौन सा और आखिर में कौन सा। तो यहाँ पे पहला जो है वो है वेल, फिर हमने बाल्टी को वेल के अंदर डाल दिया, वी फाउंड अ रोप इन अ बकेट नियर द वेल, एक रस्सी और एक बाल्टी कुएं के नजदीक में, पपी वेंट फॉर द बिस्किट्स, पपी बिस्किट्स के लिए जाएगा, रजनी पुट सम बिस्किट्स इन द बकेट। तो इनमें सबसे पहले क्या हुआ था, उन्होंने उनको क्या मिली थी, रोप और बकेट, जिसमें पहला क्या है, वी फाउंड रोप एंड अ बकेट नियर द वेल, तो पहला क्या, इधर आप लिखेंगे वन, ठीक है, ये जो सतीश अपने माँ पापा को बता रहा है कि हमारे साथ क्या हुआ, कि कैसे हमने एक पपी को कुएं से बाहर निकाला। यहाँ पे आप देखिए लिख के है ना ऊपर, सतीश टेल्स हिज पेरेंट्स हाउ द चिल्ड्रन गॉट द पपी आउट ऑफ द वेल। यहाँ पे सतीश अपने माँ बाप को बता रहा है कि कैसे बच्चों ने पपी को कुएं से बाहर निकाला। तो सबसे पहले क्या बोलेगा ये जो सतीश है, उसने बोला कि हमें एक रस्सी और एक बाल्टी कुएं के पास मिला, फिर उसके बाद रजनी पुट सम बिस्किट्स इन द बकेट, रजनी ने डाले ना फिर कुछ बिस्किट्स बाल्टी के अंदर, उसके बाद उसने क्या बोला, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाल्टी को कुएं के अंदर डाल दिया, देन दे लोवर्ड, देन वी लोवर्ड द बकेट इनटू द वेल, उसके बाद क्या हुआ, द पपी वेंट फॉर द बिस्किट्स, जैसे ही उन्होंने बाल्टी को कुएं के अंदर डाला तो पपी ने क्या देखा, बाल्टी के अंदर बिस्किट्स थे, उसके बाद वी पुल्ड द पपी अप, आखिर में उन्होंने क्या किया, पपी को ऊपर लाया। तो अगर हमें इसे लिखना होगा हम कैसे लिखेंगे, वी फाउंड अ rope and a bucket near the well, Rajni put some biscuits in the bucket, then we lowered the bucket into the well, the puppy went for the biscuits, we pulled the puppy up, ठीक है। इसमें आप numbering देके रखिए, बाद में आप फिर इसी numbering के हिसाब से नीचे लिखेंगे lines में, ठीक है। पहले को है 5, दूसरे को है 3, तीसरे को है 1, चौथे को है 4 ही, और लास्ट वाले को है 2, 5, 3, 1, 4, 2, ध्यान से सुनिए, 5, 3, 1, 4 and 2, और इसी के साथ हमारा जो लेसन नंबर 1 है पपी इन द वेल ये हो जाता है कंप्लीट, क्या हो जाता है कंप्लीट। अब मैं आज आपको इसकी बुक वर्क और जो क्वेश्चन आंसर्स, जिसके आंसर्स आप लोगों ने बता दिए, वही क्वेश्चन आंसर्स की मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी, और आप लोग क्या करेंगे, वो क्वेश्चन आंसर्स अपनी इंग्लिश नोटबुक पे साफ साफ उतारेंगे, और ये जो बुक वर्क है ये आप अपनी बुक्स पे नीट एंड क्लीन साफ साफ उतारेंगे भी और अच्छे से लर्न भी करेंगे। हाँ ठीक है, तो मैं सारा बुक वर्क आपको पीडीएफ पे भी सेंड करूंगी, पीडीएफ में भी। मुझे बताइए बच्चे, आपको इधर तक किसी बच्चे को कोई सवाल है, कोई क्वेरी है इस पूरे लेसन में आपको? यस मैम, यस मैम। जी बोलिए मैम। मैंने अभी तक ये फुल नहीं लिखा है। क्या फुल नहीं लिखा है? नहीं, मैंने अभी तक ये लिखा ही नहीं है सब। ये कौन बता रहा है मुझे, पहले आप अपना नाम बोलिए। आयत, आयत आपको क्या लिखना है आप मुझे बताइए। मैम यही ना। आपका कैमरा क्यों बंद है? Why would I allow you? मैं आपको क्यों allow करूं? तो राब और आपको, आप लोग कैमरा क्यों बंद रखते हो?
तुराब आप भी कैमरा ऑन रखो। मुझे ऑन है। अभी अभी बंद था जी आयत। अभी तक जो मैंने बुक वर्क भेजी है, मैंने आपको बोला मैं उसकी पीडीएफ सेंड करूंगी, आप पीडीएफ से उतारिएगा, ठीक है? इसके बगैर कोई क्वेश्चन है, कोई पे कुछ समझ नहीं आया है तो वो आप पूछ सकते हो। नो मैम। ओके आयत, आपने ये सारा लेसन पढ़ा है? पढ़ा हाँ, आपने क्लास दी थी तब जब हमने ये लेसन कंप्लीट किया, आपको पता है ये स्टोरी है क्या? मैं वो मैंने यस टेल मी, बोलो बच्चे, डरो नहीं, बोलो क्या वो मैंने क्या ट्यूशन मैम पढ़ा है, यही बोलना था वो मैंने ट्यूशन मैम के पास पढ़ा है ये लेसन, से यस और नो? फिर कैसे आपने बोला, अगर आपने लेसन पढ़ा ही नहीं है बच्चे तो आपको कैसे आएगा फिर क्वेश्चन आंसर्स करना? जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, ये जो भी है प्लीज। महरीन जान आपको क्या पूछना है? महरीन, महरीन आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, तो ना ही मैं समझ पा रही हूँ आप क्या पूछ रहे हो, ना ही मैं बच्चे आंसर दे पाऊंगी क्योंकि नहीं रही हूं आप पूछ रहे हो। आयत, अगर आपने ये लेसन नहीं पढ़ा है तो आपको कैसे आएगा इनके क्वेश्चन आंसर जवाब? जैद क्या मैम जो अभी आप दिखा रहे थे ना बुक पे वो मैं पीडीएफ सेंड करूंगी जैद, आप उससे उतार लेना। जी रौनक जी मैं ट्यूशन जाती हूँ ना, मुझे मैम ने आधा ही पढ़ाया है। तो आपने पहले क्यों नहीं बोला? बच्चे अभी हमारे पास 5 मिनट है, मैं आपको ये स्टोरी नटशेल में बताऊंगी, आप लोग ध्यान से जिस जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है, ठीक है? जो ये लेसन नंबर 1 है पपी इन द वेल, ये एक है क्या है स्टोरी है। इसमें हम इस स्टोरी में क्या हमने पढ़ा कि एक ग्रुप होता है चिल्ड्रंस का, प्लीज पुट योर अच्छे से आ सके। मैं आपके लिए लास्ट टाइम ये लेसन रिपीट कर रही हूँ, इसके बाद मैं नहीं करूंगी क्योंकि इंशाल्लाह कल से हम नया लेसन उठाएंगे, तो इसीलिए आप जो भी बच्चे को आप पेंडिंग रह गया है वो सुनो। बेसिकली ये जो पपी इन द वेल है ना, ये एक स्टोरी है। क्या है स्टोरी? स्टोरी का मतलब पता होता है ना, ये एक कहानी है। इस स्टोरी में हमने क्या जाना कि एक ग्रुप होता है बच्चों का जो क्या कर रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और जब वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो उनकी जो बॉल है वो एक पुराने कुएं में चली जाती है। जैसे ही फिर वो बच्चे उस कुएं की तरफ जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उस कुएं के अंदर एक पपी होता है। पपी आपको पता होना चाहिए, पिल्ला जिसको हम बोलते हैं, कुत्ते का जो बच्चा होता है, जैसे कैट का जो बच्चा होता है उसको हम किटन बोलते हैं, इसी तरीके से डॉग का जो बेबी होता है उसको हम पपी बोलते हैं, ठीक है? तो वो क्या देखते हैं कि उस कुएं में कुछ भी नहीं होता है, कुएं में वरना जो वेल्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, उनके अंदर पानी होता है, लेकिन ये बच्चे जब जाते हैं इस कुएं के पास तो ये क्या देखते हैं कि वहां पे कुछ भी नहीं होता है पानी, वहां पे सिर्फ एक तो गीली मिट्टी होती है, वेड मट होती है, कुछ प्लांट्स, और सेंटर में ये जो मिडल होता है वहां का कुएं का सेंटर वाला पॉइंट होता है, वहां पे एक पपी पड़ा हुआ होता है। तो ये जो बच्चे होते हैं ये जैसे इस पपी को देखते हैं तो ये बेचारे बोलते हैं कि हम इस पपी की हेल्प कैसे कर सकते हैं। फिर वहां पे ये सारे बच्चे अपना अपना आइडिया देते हैं, तो सबसे पहले दिलीप आइडिया देता है, बोलता है कि हमें एक सीढ़ी की जरूरत है ताकि हम इस पपी को ऊपर ला सके। अभी आप दोनों से भी मैं पूछूंगी ये स्टोरी, सुनो ध्यान से, सिर्फ आदत हो गया है जल्दी से हम काम लिखें और घर जाएं। तो दिलीप जो है वो सबसे पहले आइडिया देता है, बोलता है कि हमें एक सीढ़ी की जरूरत है, उसके जरिए ही हम इस पपी को ऊपर ला सकते हैं। लेकिन
फिर सतीश की नजर इतने में क्या पड़ जाती है, साइड में एक बाल्टी पुराना होता है और एक रस्सी होती है, उसकी नजर उसी पे पड़ती है। वो इनको बोलता है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम पपी को इस बाल्टी के जरिए ऊपर लाए। तो फिर दिलीप जो है वो उसको बोलता है ये तो आइडिया अच्छा है, लेकिन बाल्टी के अंदर पपी को डालेगा कौन। और फिर कुछ देर के लिए ये जो बच्चे होते हैं ये सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद रजनी जो सतीश की सिस्टर होती है वो बोलती है मेरी जेब में कुछ बिस्किट्स है, तो मुझे लगता है अगर हम बाल्टी में बिस्किट्स डाल देंगे तो शायद पपी इन बिस्किट्स को देख के बाल्टी के अंदर आ जाए। और ये सुन के सतीश जो है वो बहुत खुश हो जाता है और अपनी बहन को गले लगा देता है और बोलता है चलो देखते हैं अगर ये प्लान काम कर गया। उसके बाद दिलीप जो है वो पहले इस पुरानी बाल्टी को उठाता है और इसके अंदर जितना भी कूड़ा होता है वो उसे फेंक देता है। सतीश जो है इतने में वो रस्सी को पुल करता है यानी खींचता है, देखता है कि रस्सी मत पुरानी बहुत टाइम से पड़ी हुई है यहाँ पे, तो ये मत कटी वटी है। फिर ये देखता है कि नहीं ये तो अभी भी स्ट्रांग है। उसके बाद रजनी क्या करती है वो डालती है बिस्किट्स बाल्टी के अंदर। उसके बाद ये बच्चे क्या करते हैं इस बाल्टी को धीरे धीरे से कुएं के अंदर डाल देते हैं। और जैसे ही फिर सतीश जो है वो क्या करता है वो थोड़ा सा बाल्टी को शुक करता है यानी शेक करता है और बाल्टी जो है वो साइड में गिर जाती है। और इसी इसको देख के पपी जो है पहले वो भौंकने लगता है जोर जोर से, क्योंकि उसको पता मत ना होता है कि ये बाल्टी ये, वो बेचारा डर जाता है पहले बाल्टी को देख के। फिर उसके बाद उस आप लोगों को पता होगा कि कुत्ते की नाक बहुत तेज होती है, वो क्या करता है वो स्मेल करता है, उसको स्मेल आती है बिस्किट्स की। तो उसके बाद वो अपने पहले पहले अपनी नोज ले जाता है बाल्टी की तरफ, फिर फ्रंट पास और फिर हेड। और उसके बाद सतीश जो है वो अपने फ्रेंड्स को बोलता है अब खींचो इसको जल्दी से, और फिर वो रस्सी को खींचते हैं ऊपर और पपी जो है वो ऊपर आ जाता है कुएं के बाहर। एक मिनट भी नहीं लगता है बच्चों को इसको ऊपर लाने में। और जब वो उस पपी को देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वो जो पपी होता है उसको ठंड लगी होती है और वो शेक कर रहा होता है ठंड की वजह से। फिर रजनी उसको अपने पास लेती है और बोलती है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और फिर लास्ट में उनको सतीश क्या बोलता है कि अगर हमें हमने एक बॉल खो दी लेकिन हमें एक पपी मिल गया। ठीक है, तो ये होती है स्टोरी जिसमें ये बच्चे जो होते हैं वो इस पपी को बाहर निकालते हैं अपने आइडियाज से। वो पहले एक बच्चा एक आइडिया देता है, दूसरा बच्चा दूसरा आइडिया, तो तीनों बच्चे मिलके इस पपी को कुएं के बाहर लाते हैं। ठीक है, आया अब समझ आपको? आयत I'm talking to Ayat, not you, Salik. Ayat, आपको समझ आई ये स्टोरी आप? Yes, ma'am. I'm talking to Ayat, not Ronak. Ayat, unmute your mic and answer me. Yes, ma'am. Okay. तो अब आपको इसके question answers. मंदिर वाला भी पढ़ा है जो इसके दूसरे side से है. यहां से जो है इधर तक ही करना, बस 6 और 7 को छोड़ना है। जी आयत, मुझे आपकी आवाज कट कट के आ रही है, आप क्या बोल रहे हो फिर से बताइए। मैं पानी पीने जाऊं? ओके स्टूडेंट, लेट हो गया है। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अब इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट लेसन उठा रहे हैं, तो मैं बुक वर्क की पीडीएफ आपको सेंड करूंगी। वो बुक वर्क आप अपनी बुक्स पे नीट एंड क्लीन साफ साफ उतारिएगा भी और अच्छे से लर्न भी करिएगा। रहा सवाल क्वेश्चन आंसर्स का तो उसकी भी मैं पीडीएफ सेंड करूंगी। ओके ओके स्टूडेंट्स, ओके मैम, अल्लाह हाफिज़ मैम।